दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप YouTube में शॉर्ट वीडियो को कैसे अपलोड कर सकते हैं। आज जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, यदि आप उस तरीके से करते हैं तो आपका वीडियो 110% YouTube अपने शॉर्ट कैटेगरी में डालेगा, और यदि आपका वीडियो शॉर्ट कैटेगरी YouTube के शॉर्ट कैटेगरी में चला जाता है तो वहाँ से 110% आपका वीडियो वायरल होने का पूरा चांस है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल रोजाना टैग में। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों YouTube में शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको रेशियो चुनना है, जिस रेशियो में आप अपना शॉर्ट वीडियो अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली से काइन मास्टर में चले जाना है। यदि आप पावर डायरेक्टर यूज़ करते हैं तो आपको 9:16 रेशियो को चुनना है। आपको 16:9 ही बल्कि 9:16 रेशियो को चुनना है। यदि आप इस कैटेगरी में करते हैं तभी आपका वीडियो शॉर्ट कैटेगरी में जाएगा। यदि आप 16:9 में कीजिएगा तो आपका वीडियो शॉर्ट कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान यह रखना है कि 9:16 रेशियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और वीडियो का जो लेंथ है वो मिनिमम 15 सेकेंड और मैक्सिमम 1 मिनट से कम रहना चाहिए, तभी आपका यूट्यूब शॉर्ट कैटेगरी में आपका वीडियो जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दो बातें को ध्यान रखना है। आपको रेशियो 9:16 सेलेक्ट करना है, और जो वीडियो का लेंथ है वो 15 सेकेंड और 1 मिनट के बीच में रहना चाहिए। उसके बाद आपको सिंपली से आप अपने यूट्यूब चैनल पर चला जाना है। एक मिनट में चले जाता हूँ। देखिए इस तरह से आपको अपना यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेना है। चैनल को ओपन कर लेने के बाद आपको देखिए यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन दिख रहा है। ठीक है, तो आपको प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक कर देना है। देखिए प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, अपलोड ये वीडियो, क्रिएट ए शॉर्ट, गो लाइव। तो आपको क्रिएट ए शॉर्ट पे क्लिक नहीं करना है। यदि यहाँ भी कीजिएगा तो यहाँ से डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप किसी वीडियो को शूट करके अपलोड कर सकते हैं। तो आपको अपलोड ये वीडियो पे क्लिक करना है, जहाँ से आप वीडियो अपना एडिट करके लाए हैं। ठीक है, तो आपको अपलोड ये वीडियो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड पे वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, देखिए आपका यहाँ बहुत सारा जो वीडियो आप एडिट किए हैं उस तरह से वीडियो आपका आ चुका है। तो मैं कोई एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए तो देखिए मैंने वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ से इसे कटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इस तरह से मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि जल्दी अपलोड हो जाए। उसके बाद आपको ऊपर में देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको म्यूजिक वगैरह डाल सकते हैं, यदि नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने बाद देखिए आपको यहाँ से टाइटल वगैरह मांगा जाएगा, तो आप जिस कैटेगरी से आपका जो वीडियो है उस कैटेगरी में आपको टाइटल लाना है, और मिनिमम आपको एक हैशटैग लगाना है। इसे मेरा ये वीडियो है हाउ टू अपलोड ये वीडियो, तो आपको एक हैश, देखिए दोस्तों आपको इस तरह से आपका टाइटल डालना है जिसमें आपको एक हैशटैग लगाना है। उसके बाद जो जिस कैटेगरी का आपको वीडियो है उस कैटेगरी में आपको टाइटल डालना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ अनलिस्टेड, प्राइवेट जो रख सकते हैं, यदि आपका अनलिस्टेड है तो वहाँ भी बेहतर है, यदि आपका प्राइवेट है तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली से अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपका जो वीडियो है यहाँ से देखिए अपलोड होना शुरू हो चुका है। ठीक है, देखिए मेरा वीडियो अपलोड होना शुरू हो चुका है। देखिए दोस्तों मेरा यूट्यूब वीडियो अपलोड हो चुका है। अपलोड हो जाने के बाद आपको सिंपली से अपना YT स्टूडियो को ओपन कर लेना है। इस तरह से एक मिनट में अपना YT स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। देखिए YT स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको सिंपली से आपको वीडियो पे चले जाना है। वीडियो पे चले जाने के बाद देखिए आपका जो वीडियो अपलोड किए हैं वो सबसे ऊपर में आएगा। उसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में देखिए आपको पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है, पेंसिल पे क्लिक कीजिएगा। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक और पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है थंबनेल लगाने के लिए, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। आपको ध्यान यह रखना है दोस्तों, जैसे आप शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हैं तो आप ये इसमें अलग से थंबनेल नहीं लगा सकते। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, इन्हीं 3 ऑप्शन में से कोई एक आपका थंबनेल रहेगा। ठीक है, तो ध्यान यह रखना है। तो आपको इन 3 थंबनेल में जो अच्छा थंबनेल लगे उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर देना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे टाइटल तो आप पहले दे चुके हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, तो आपको डिस्क्रिप्शन भी इस तरह से डालना है कि ज़्यादा लेंथ बड़ा नहीं हो। आपको मिनिमम कम से कम छोटा डिस्क्रिप्शन डालना है जो शॉर्ट वीडियो के लिए चाहिए। ठीक है, तो आपको सिंपल वाला वीडियो जैसा डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा सा नहीं डालना है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन डालना है शॉर्ट वीडियो की तरह। ठीक है, तो कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दे सकते हैं, जैसे हाउ टू अपलोड वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीडियो कैसे अपलोड, इस तरह से आपको कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल देना है। ठीक है,
उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ऐड टू प्लेलिस्ट आदि प्लेलिस्ट में ऐड करना सकते कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैग, आप यहाँ पे टैग भी डाल सकते हैं, जिस रिलेटेड आपका वीडियो है उस रिलेटेड यहाँ से आप टैग डाल दीजिएगा। टैग डालने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे सेव, यहाँ पे अनलिस्टेड है तो आपको पब्लिक करके इस तरह से यहाँ पे पब्लिक करके और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पे वीडियो क्लिक कीजिएगा तो आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा और आपका जो शॉर्ट वीडियो है यूट्यूब अपने शॉर्ट कैटेगरी में ले जाएगा, वहाँ से आपका वीडियो 110% वायरल होने का संभावना होता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से मोटिवेट मिलता है कि आपके लिए और बेहतर वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।